के हम उनके मूड़ के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। आज के वीडियो में हम लेकर आए फिर से बागेश्वर धाम सरकार की। पहले तो प्रेम से बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलो हमारे दादा गुरुजी की जय, हमारे दादा गुरुजी की जय। और वीडियो को लाइक करें और राधा कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो आज की वीडियो में फिर से सबर का बाल टूट रहा है बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों का, भूख के प्यास से। जैसा आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार के कुछ भगत तो ऐसे होते हैं, घर से ही नंगे पैर आते हैं पद यात्रा करते हैं। कुछ लोग खता स्थल तलक नंगे पैर आते हैं, कहां कहां से काफ़ी दूर तलक। कुछ लोग भगत नहीं कुछ खाते हैं नहीं कुछ पीते हैं बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन बिना। ऐसा क्या है बागेश्वर धाम सरकार के अंदर जो कि ऐसा अनुभव करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के, अन्न और पानी तलक का त्याग देते हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो देखिए और वीडियो को आपको दिखाते चलते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका भाई सूरज और बागेश्वर धाम सरकार के माय फर्स्ट व्लॉग चैनल के माध्यम से वीडियो लाते रहता हूं, सभी जानकारी देते रहता हूं। राजकोट रेस क्रॉसिंग ग्राउंड में जो कथा हो रही है बागेश्वर धाम सरकार की, श्री हनुमत कथा, श्री हनुमत कथा। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार कल 1 जून को लगा था दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार का, आज है श्री हनुमत कथा। मगर टाइम टेबल दिया था 4 बजे का, फिर 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, आज भी बागेश्वर धाम सरकार नहीं आए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार के हजारों लाखों तादाद में पागल ही पागल। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का कब होंगे दीदार, आइए पूरी वीडियो के माध्यम से हम आज रहे देखते चलें। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग इंतजार करते रहें, क्योंकि कथा तो होगी हमें पता है। जैसा आपको पता है टाइम टेबल बिगड़ जाता है गुरुदेव का, तो गुरुजी का यही प्रॉब्लम है। गुरुजी भी कहते हैं हमारा कोई टाइम टेबल ना, कभी भी आपने देखा होगा दिव्य दरबार में, कभी धाम पे भी पूरी रात बैठे रहते हैं, कभी कभी पूरे दिन ही ना आते हैं तो पूरे दिन ही ना आते हैं, कभी पूरी रात आते हैं ना तो पूरी रात ना आते हैं, कभी पूरे दिन आते हैं तो पूरे दिन बैठे रहते हैं पूरी रात बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही है उनका टाइम टेबल कुछ नहीं है। गुरुदेव कब तुम्हारे बीच में आ जाए क्या पता, ये भी कुछ ना पता। और किसकी अर्जी स्वीकार हो जाए, किसके मैसेज पढ़ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप, बस एक्स का निशान बनाओ, बालाजी की विश्वास रखो, सबकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। जय जय श्री राम कहो और इससे सहारा मिलेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। बालाजी से मैं प्रार्थना करूँगा और अपने दादा गुरुजी से प्रार्थना करूँगा, दादा गुरुजी आप कृपा बनाइए, हम पे भी बनाइए और सभी भक्तों पे बनाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।